पहले तो कढ़ाई को हटा लें और उसके बाद काफी गर्मा गर्म बनाएंगे। इसको अंदाज रहे हैं कि क्या हम इसको हटा सकते हैं, जल तो नहीं रहा है, तो लग रहा है कि हटा सकेंगे। ये है कि खूब ठंडा नहीं हुआ था। ये रिस्क हम ले रहे हैं, आप बच्चे मत ले लेना, क्योंकि बच्चियां भी खाना बनाती हैं, तो आप लोग मत लेना। अगर बच्चियां इस वीडियो को देख रही हैं तो देखेंगी। तो बस रोटियां बना लूं जल्दी जल्दी से और गर्मा गर्म आप सबको दूं। पहले तो रोटी बनाने से पहले मैं बनाऊंगी आलू का पराठा, जो कि श्रेया आलू को यहाँ पे फ्राई करके रखी थी। मुझे नहीं पता था, मैं पूछ रही थी उससे, बता नहीं दी कि ये आलू क्यों रोस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अच्छे से रोस्ट हो चुका है, तो इसको मैं बना दूंगी पराठा। तो सबसे पहले जो है पराठे वाला काम कर दूंगी, फिर जो बचेगा वो रोटी बना दूंगी। ये देखिए चिपट गया था ना, मैंने अच्छा छोड़ देगा, लेकिन ज़्यादा चिपका दी थी इसके वजह से। तो इनको ये इस तरह से आलू की पूड़ियाँ बहुत पसंद है। अब बात आती है कि आलू की पूड़ियाँ तो बनाने जा रहे थे, उसके लिए घी भी हमको चाहिए, तो हमने घी भी रख लिया है। अब ये देखिए कुकर, अगर जिसका किचन छोटा है वो इस तरह का ट्रिक अपना सकता है, एक के ऊपर एक रख सकता है और आराम से उसका जो है एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए आटे में दरारें पड़ गई हैं, जबकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको 10 मिनट पहले गूंथ के रखा था, उसके बाद भी आटे में दरारें आ गई हैं। तो बस चलिए लोई बनाते हैं फटाक से इसमें।